मॉर्निंग मॉर्निंग में सबसे पहले भाग भाग के जल्दी जल्दी से सब क्लीनिंग का काम फिनिश करना पड़ता है। हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। आज तो ना सुबह सुबह मॉर्निंग में उठ के इतना सारा काम था ना कि क्या बात बताऊं, बहुत ज्यादा ही काम था। तो फटाफट से उठ के पहले क्लीनिंग का काम किया और साथ साथ में खाना भी बनाना था, बिकॉज आज हम लोग जा रहे हैं, जैसा कि अगले ब्लॉग में बताया था कि अगला ब्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो आज हम लोग जा रहे हैं फैमिली पिकनिक में, बहुत ज्यादा ही इंजॉय करने वाले हैं, धूम मचाने वाले हैं। तो वहां पे ले जाने के लिए थोड़ा बहुत सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा खाना बनाया है, तो मैंने भी थोड़ा बहुत खाना बनाया है। आलू की सब्जी, आलू एंड चने मिक्स करके स्पाइसी से सब्जी बनाई है और साथ में राइस बनाया है सब मसाले ऐड करके, तो वो घर पे एकदम से रेडी है। कोमल भाभी थोड़ा लेके आने वाले है, दीपिका भाभी थोड़ा लेके आने वाले है, बट हेमांगी बेन हमारे साथ नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ईशान को ना बहुत ज्यादा ही होमवर्क है, तो उसकी वजह से वो बोल रहे हैं कि हम लोग नहीं आ पाएंगे। खाना तो एकदम से बन के रेडी हो गया है, अभी हम लोगों को रेडी होना है, तो बस जल्दी जल्दी से रेडी होते हैं और फिर चलते हैं। अभी डबड़ा भर भर के रेडी हो गए हैं खाने का। डबड़ा भर, आप क्या कर रहे हैं वैसे? अभी भी आपको सोना है? यस, मुझे ना नींद आ रही। सो जाइए, चलिए सो जाइए, हेयर आपके खराब हो जाएंगे। हाँ, गाड़ले में गिर गए। अभी वेट कर रहे हैं, बस सबका कॉल आए तो जाते हैं। एक काम करिए, अभी ना जाते हैं। कहाँ पे? फीस है। चलिए ठीक है, सब खाना भी रेडी है, मेरा तो सब कंप्लीट ही है और मैं भी रेडी ही हो गई हूँ। खाना खाना तो मुझे भी मालूम है, बट क्या लिया खाने में वो सब व्यूअर्स को पता है, आपको वहाँ जाके पता चल जाएगा। मैं कहाँ था? आप सुबह से सो रहे थे, इतना सोए कि उठे 11 बजे। मैं 9 बजे से उठ के खाना भी रेडी कर दिया है, इतना कौन सोता है। जल्दी जाना नहीं था तो फिर क्या करें, सबको लेट 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 आना था तो फिर yes, मैं भी सो गया। आज संडे है तो सब लोगों ने सोचा है कि आराम से जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है जाने की, सामना जल्दी हो जाती है, इसलिए मैं जल्दी रात को आएंगे वापस खाना खा के होटल में, दोपहर का लेके जाएंगे और रात का बाहर खा के आएंगे। ठीक है, गाड़ी में बैठा है। यस, और ट्रेन ऐसे ऐसे होती है, गाड़ी नहीं होती ऐसे। चलो अभी जाना है, लेट हो जाएगा। मुझे क्या, चलिए अभी 2 बजने वाले हैं और हम घर पे ही है। 1:45 यस, चलिए चलते हैं अभी। ठीक है, चलिए बाय बाय। कहाँ जा रहे वैसे हम? रास्तों में मस्त मस्त नजारे देखते हुए जाएंगे, अब पता नहीं कहाँ पे, मुझे तो पता है आप लोगों को भी पता चल जाएगा। चलिए चलते हैं। हमारे जो न्यू सब्सक्राइबर्स है ना, उन सबको तो नया ही लगेगा, बट जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर है वो तो वहाँ पे आ चुके हैं। अब आप लोग गेस कीजिए, तब तक हम लोग चलते हैं मस्त मस्त वादियों में। चलिए सबसे पहले ना फ्यूल भरवाने के लिए यहाँ पे रुके हैं, सब लोग निकल गए हैं, थोड़े आगे चले गए हैं, हम लोग भी यहाँ पे हैं, अभी फ्यूल भरवा के हम लोग भी आगे बढ़ते हैं। आ गए, बाइक को खाना खिलाकर। yes. सबसे पहले बाइक को खाना खिलाना जरूरी है, उसके बाद ही आगे बढ़ सकते हैं। चलिए हमारे रास्तों में आगे बढ़ते है, ये भूत बन गई। देखिए अभी फ्यूल भरवा के निकले ही थे, मैं तो भूत बन गई और पहले बाइक को जूस पिलाया, अभी ये हेमल जूस पी रहे। देखिए हेमल, धूप चढ़ गई, हेमल को ना धूप चढ़ गई है एकदम से दिमाग में, इसलिए ठंडे हो रहे हैं। पहले बाइक को ठंडा किया, अब हेमल ठंडे हो रहे हैं, और हम तो ठंडे ही है, हमें जरूरत ही नहीं है ठंडे होने की। और अभी मैं सिर्फ वॉइस ही आ रही है, सच में भूत लग रही हूँ हेमल, सच में लग रही हूँ ना भूत। इंजॉय योर ड्रिंक। देखिए तो सही, इतने सारे वो लोटस के फ्लावर है ना पूरे इसमें, देखिए सारे के सारे लोटस ही है, वो भी रेड वाले, कितना प्यारा लग रहा है। देखिए, ओ माय गॉड, देखिए तो सही, पूरा लोटस का ही लेग है ये, कितना प्यारा लग रहा है। हम चाहे बोले भूत हो, पर ये देखिए वो चल के कैसे चल रहा है। हाँ वही दिखा रही हूँ, देखिए। सो
तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं क्योंकि आज हम लोग पूरी फैमिली के साथ पिकनिक करने के लिए आए हैं वापस से हॉलेश्वर महादेव के टेम्पल पे। और यहाँ पे इसलिए आते हैं, यहाँ पे कोई नहीं होता ना तो मजा आता है, फुल फैमिली फुल एंजॉय की है। और बच्चे सब बड़े भी जाके सीधा देखे, अब एंटर हुए ना सीधा झूलों में लग गए है। अभी हम एंटर होते हैं, चलिए चलो मेले पे आते। क्या लेना है? पानी की बोतल होगी। चलिए खाना लेके ही आए है बच्चे, खेलना है ना आज। हाय दृष्टि, पहले मार लो एक पेड़ तो टूटा हुआ है, दूसरा भी तोड़ दो। कहाँ जा रहे हो? स्लाइडिंग करने। चलो जल्दी। Sip your chai, you got nothing to hide. Yeah, your future's so bright. So just smile like there's no one watching. Early morning on a Saturday, wake up time to get it started. No one's gonna get in your way. No one's gonna leave you broken hearted. You don't need nobody else. Everyone knows you're doing well, so well, yeah. Not a worry in the world, you ain't scared of nothing. You a boss kind of girl, you got all you wanted. Earned yourself a quick break in the morning. If someone tells you what the wise, give them warning. Don't let yourself be restrained. झूल रहे हैं साथ में, हम बच्चे बन गए पिकनिक करने के, हम बच्चे बन पाए। और तृष्टि वहाँ पे, पीयूष भाई सब वहाँ पे झूला झूल रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं टेंपल की तरफ महादेव के दर्शन करने के लिए। सब लोग आके ना झूले में ही लग गए थे, सो चलिए चलते हैं और महादेव का दर्शन करते हैं। बिकॉज ये होलेश्वर महादेव का टेंपल है, यहाँ पे 12 के 12 ज्योतिर्लिंग है और साथ में होलेश्वर महादेव भी है और छोटी छोटी बहुत सारी लिंग्स भी है वहाँ पे। देखिए सब लोग वहाँ पे दर्शन कर रहे हैं, सो चलिए चलते हैं और महादेव का आशीर्वाद लेते हैं और दर्शन करते हैं। चलिए अभी होलेश्वर महादेव के दर्शन कर लिए, अभी 12 के 12 ज्योतिर्लिंग के एक साथ में दर्शन करेंगे और आप लोगों को भी करवाऊंगी 12 के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन। हेमल अच्छा ये दर्शन करवाइए, चलो तुम भी चलो मेरे साथ। मैं तो आऊंगी ही, आप व्यूअर्स को दर्शन करवाइए। बारह के बारह ज्योतिर्लिंग के एकदम से अच्छी तरह से दर्शन हो गए शांति से। और जब भी महादेव के टेम्पल पे आते हैं ना तो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे तो इतना बड़ा गार्डन है कि हम सब ना क्रिकेट भी खेल सकते हैं। और ये लोग कब से क्रिकेट ही खेल रहे थे। हम लोगों ने दर्शन कर लिए टेम्पल के अंदर, हम आराम से तीनों बैठी थी, तब जाके आए ये लोग। चलिए अभी लंच टाइम, खाना, भूख लगी है बहुत ज्यादा। हाँ वो तालाब है ना, सब तालाब की तरफ चलते हैं, पहले तालाब देखेंगे उसके बाद जाएंगे खाना खाने। क्या अभी सब लोग हम यहाँ पे तालाब के पास खड़े हैं। दृष्टि क्या हुआ? पापा कहाँ गए? देखो इतना दूर चले गए वो लोग, यहाँ से ही उतर के गए ऐसा। वो ना वहाँ पे पानी में स्नेक है। हाँ पानी वाला स्नेक है तो उसे देखने गए है। मुझे देखना है। क्या नहीं वहाँ नहीं जाना? ये बोल रही थी कि अभी मैं पापा के साथ जाऊंगी नीचे। नहीं वहाँ नहीं जाना चाहिए। रिच खाना है तुमको? गाजर नहीं, मुझे नहीं पसंद। क्यों? और अभी हम लोग खाना खाने बैठ गए हैं, सब लोग राउंड बना के कैसे गोल राउंड लड़ रहे, झगड़ रहे हैं, गाजर खा रही है दृष्टि।
हम अभी सब कट करेंगे। ककड़ी है, लेमन है, टमाटर है, ओनियन है, गाजर है, कुंगरा, पटेटा, ममरा, राइस, फिर ब्रेड जाम, ब्रेड जाम, ममरा, ममरा इतना सारे है और ये देखो हम खाने वाले ही इतने हम इतना नहीं होता हमें इतना चाहिए। अभी ना एकदम मस्त सी पीयूष भाई वेज सैंडविच बना रहे हैं। देखिए सबको सरप्राइज दिया हम लोगों को, हमें नहीं पता था। आए थे ब्रेड जैम के लिए लेके, बन रही है सैंडविच, वो भी वेजिटेबल सैंडविच। और हमने तो क्या खोला है, देखो टमाटर यहाँ पे, ककड़ी, अभी ओनियन की बारी है, गाजर है, हमने यहाँ पे किचन खोला है। बटर मिल्क हम इतनी लेके नहीं आते, इतनी लेके आते हैं बिकॉज वो पीयूष भाई अपने हाथों से बनाते हैं और इतने साल का एक्सपीरियंस है ना कि हमें किसी की छाछ पसंद ही नहीं है, हम स्पेशल बोलते हैं उसे। हमारे घर के कोई प्रसंग हो ना फिर भी पीयूष भाई बनाते हैं बिकॉज शॉप पे होती है हमारी, किसी को चाहिए तो वहाँ पे मिल जाएगी, बट घर की अच्छी लगती है, हमें रेडीमेड वाली नहीं अच्छी लगती। कितने साल का एक्सपीरियंस है? 20 साल का। देखिए 2003 से बना रहे हैं। 2003 से सच में, हाँ दुकान पे हमारी मिलती है, हमारी शॉप है ना वहाँ पे मिलती है। क्या बनाया रिच? बेल कोमा भाभी देखे लेमन की छाल खा रहे हैं, बोलती थी कहाँ बेल का छिलका, छिलका हाँ उसे पसंद है, मैं बोल रही थी पहले ही, वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। सब लोगों ने लंच कर लिया है, अभी लास्ट में ब्रेड जाम पे आए हैं तो सबके लिए ब्रेड जाम बन रही है। लंच करके हम तीनों देखिए यहाँ पे बैठ गई है, तीनों की तीनों, और वो सब देखिए वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, हमें नहीं खिला रहे, क्या करे, हमारा टर्न आए तब कहना, कोई जवाब ही नहीं देगा। देखिए देखिए बॉल चला गया वहाँ पे। चलिए तो अभी होलेश्वर को बाय बाय करते हैं और हम सब चलते हैं वापस घर की तरफ, पार्क लग जाएगा, तुम्हें ही लग जाएगा। चलिए जाना है कि नहीं जाना है? नहीं जाना है। वो शेर आएगा उससे पहले हम चले जाते हैं बिकॉज पोरबंदर में बहुत शेर घूम रहे हैं। क्यों पार्क? शेर नीचे टकराएगा। यस उससे अच्छा है कि भागते हैं, हम हमसे टकराएगा, नहीं आएगा। चलो तुम आगे, चलो तुम आगे। देखो वो शेर से लड़ने गया है, अभी हम भी जा रहे हैं घर पे बिकॉज अभी 6 बजे है ना, तो बहुत ज्यादा ही अंधेरा हो गया, वैसे 6:30 हो गए हैं, बट बहुत ज्यादा ही अंधेरा हो गया है। और बच्चे देखिए अभी भी यहाँ पे, सब लोग आज संडे है ना इसलिए झूला झूल रहे हैं, बट हमारा संडे बहुत ज्यादा ही बेस्ट हो गया। चलिए अभी जाना है ना घर पे, जाना ही पड़ेगा। चलिए तो चलते हैं। सब लोग निकल गए हैं और होलेश्वर को बाय बाय कह दिया है, बाहर हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जल्दी जल्दी से वापस आएंगे। चलिए अभी अंधेरा तो देखिए 6:30 बजे, ऐसा लग रहा है कि रात हो गई है अभी थोड़ी देर में, तो फटाफट से घर पे चलते हैं। अभी हम लोग वापस से घर पे पहुंच गए हैं, वैसे अभी अभी नहीं पहुंचे हैं, हम लोग घर पे पहुंचे ना उसे 10-15 मिनट हो गई है बिकॉज बाइक पे इतना आते हैं ना तो थक गए थे तो बैठ गई थी, बहुत ज्यादा थक गए। और अभी ना रात को इतनी ठंडी हवा आ रही थी और 7 बजे हम लोग यहाँ पे पहुंचे ना, बट जैसे ही 7 बजे ना तो ऐसा लग रहा था कि रात के 10 बज गए और बहुत ज्यादा ही अंधेरा हो गया था। और उस तरफ तो पूरा वो कहते ना जंगल था, तो सब लोग डरा रहे थे कि शेर आएगा। सब लोग ना जल्दी से घर पे आ गए, बट इतना मजा आया और फुल एंजॉय किया। जब भी पिकनिक पे जाते हैं ना ऐसी छोटी पिकनिक पे भी तो बहुत ज्यादा ही मजा आता है, और फैमिली के साथ भी वैसे भी कहीं पे भी जाए ना
तो फुल एंजॉय ही करते हैं। चलिए तो व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारी चैनल हैरी मधु लाइफस्टाइल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। सो चलिए मिलती हूँ कल, तब तक के लिए सबको गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। Deep in the shadows, I know it's hard.